अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? खैरियत से हैं। आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा जर्नल एंट्री के ऊपर, कि जर्नल एंट्री को हम रिकॉर्ड किस तरीके से कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपके पास आ रहा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है हम कर रहे होते हैं। मेकिंग अ वाउचर बनाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन डे बुक, अपनी जर्नल एंट्री के अंदर जो है उसकी रिकॉर्डिंग करो होता है डेली बेसिस के ऊपर। पोस्टिंग इन लेजर पे पोस्ट करना होता है जर्नल एंट्री के बाद। फिर इसके बाद आपके पास पांचवा स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम जो है ट्रायल बैलेंस निकालते हैं कि हमारा बैलेंस कितना आया है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं इसको। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले जो है इस रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। इंक्रीज कहाँ होगा, डिक्रीज कहाँ पे होगा। जब भी हमारे एसेट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो वो डेबिट कॉलम में जाएंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट में जाएगा। इसी तरीके से लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट में जाएगी, और जब डिक्रीज होगी तो वो डेबिट में आएगा। इनकम हो गया या रेवेन्यू हो गया, जब भी वो इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो डेबिट में जाएगा। इसी तरीके से इसका एक्सपेंस है जो कि इनकम के अपोजिट है, जब वो इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट में जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। और फिर आपके पास इक्विटी या कैपिटल आती है। जब भी इक्विटी या कैपिटल जो भी है हमारा वो इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, और जब वो डिक्रीज़ होगा तो वो डेबिट में जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जर्नल है क्या? व्हाट इज़ जर्नल? जर्नल इज़ अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर एंट्रिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि जो भी बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी एंट्री हम जर्नल के अंदर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल ये आ रहा है कि जर्नल एंट्री है क्या? जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्रीज। कोई भी हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन की, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज़ के अंदर। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है। दूसरा पार्ट इसका है द अकाउंट डेबिट। तीसरा है द अकाउंट क्रेडिट, कौन से अमाउंट डेबिट में आ रही है, कौन से अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है। और 4th पार्ट इसका है नरेशन। नरेशन में क्या होता है, नरेशन में हम उसको डिटेल में लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि हमने कौन सी अमाउंट को डेबिट में क्यों लिखा है या क्रेडिट में क्यों लिखा है। किसी को पैसे दिए हैं, किसी से कैश रिसीव किया है, उसके वो हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। अब आप यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट देख रहे होंगे कि डेट के कॉलम पे मैंने यहाँ पे डेट लिखी है। पर्टिकुलर में जिसको मैंने कैश दिया है वो डेबिट में आया है, क्या चीज़ क्रेडिट हुई है वो चीज़ क्रेडिट में आई है। और फिर उसके नीचे उसकी नरेशन है पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई कि आया कि ये कैश क्यों डेबिट हुआ है। इसी तरीके से ये पूरा आपका रिकॉर्डिंग हो रही है जर्नल के अंदर। ये इसका फॉर्मेट है। अब यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है जो कि मैं अगली स्लाइड में आपसे पूछने वाला हूँ, तो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिया है करने के लिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे पिछले अभी आपने देखा था जर्नल एंट्री के अंदर जो रिकॉर्ड किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप इसका सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और दिए गए नंबर पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी हवाले से कोई भी परेशानी हो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।